कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में भी अपनी जान की परवाह किए बिना जनता की सेवा कर रहे दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को मुनरिका वार्ड के निगम पार्षद भगत सिंह टोकस ने उपहार देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में शामिल हुए दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, जिला संगठन मंत्री राजन तिवारी, नई दिल्ली जिला अध्यक्ष प्रशांत शर्मा और दिल्ली युवा मोर्चा महामंत्री करण बंका ने निगम कर्मचारियों में एंटी कोविड किट, जिसमें पीपी किट, च्यवनप्राश बोतल, वेपोराइजर काढ़ा, N95 मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। निगम पार्षद भगत सिंह टोकस ने कहा कि कोरोना महामारी में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में सेवा ही संगठन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जरूरतमंदों की मदद में जुटे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत उनकी तरफ से वार्ड के निगम कर्मचारियों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। भगत सिंह टोकस ने कहा कि कोरोना की इस महामारी में अपनी जान की परवाह किए बिना निगम के कर्मचारी अपना फर्ज निभा रहे हैं। दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली के अंदर सेवा ही संगठन कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनके प्रारूप हम जो ज़रूरतमंद हैं उन लोगों को हम समान वितरण कर रहे हैं। आज जो यहां पर विशेष रूप से मुनीरका वार्ड के अंदर जो हमारे निगम के कर्मचारी हैं, वो सभी विभाग के मुनीरका वार्ड के सभी विभाग के निगम के कर्मचारियों को हमने कोरोना योद्धा सम्मान समारोह यहाँ रखा था और सबको ये सामान हमने वितरण किया है। क्या क्या थे इसके अंदर? एक स्टीमर है, एक जो है पानी की बोतल है और एक च्यवनप्राश है, एक इसके अंदर किट है। किस तरीके से कितने लोगों को दिया गया? हमारे 242 जो हैं लोग हैं यहाँ पर, और उन सबको यहाँ पर वितरण किया गया। इसके अंदर सभी लोग हैं।